नमस्कार। आज हम बना रहे हैं नमक। चौकी मत, आपने ठीक सुना, नमक। ठीक, उसके लिए हमें चाहिए जीरा, सूखा हुआ पुदीना, काली मिर्च, लौंग, एक चम्मच खाने वाली अजवाइन और एक खाने वाली मेथी। मैंने जीरा इसके अंदर डाल दिया है। इसको मैं अब अच्छे से मीडियम गैस पे इसको अच्छे से भून लेती हूँ। अब आप कहोगे इस नमक की क्या विशेषता है, तो मैं आपको बोलूंगी इसको 6 महीने के बच्चे से लेके 106 साल के बुड्ढे तक सब खा सकते हैं। ये शरीर के लिए कोई नुकसान नहीं कर सकता है। प्लस अगर आपका जी घबरा रहा है, आप इसको पानी के साथ एक चम्मच ले सकते हो। इसको आप दही में खा सकते हैं, रायते में खा सकते हैं, किसी भी फ्रूट में खा सकते हैं, किसी भी जूस में डाल के खा सकते हैं। ये कोई नुकसान नहीं कर सकता है। जिसको ब्लड प्रेशर है, उसको कच्चा नमक खाना मना है, वो भी इस नमक को खा सकते हैं। अगर आपकी सब्जी में नमक कम है और आप कच्चा नमक नहीं खाना चाहते, आप ये नमक डाल के खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस आपका सब्जी का जो टेस्ट है वो 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक बार इस नमक को आप घर पे बनाइए, कैसा लगता है वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। देखिए जीरा भून चुका है। मैंने गैस एकदम स्लो कर रखी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 खाने वाली चम्मच अजवाइन। हल्के हाथ से हिला रही हूँ। 1 खाने वाली चम्मच मेथी दाना। मेरी गैस एकदम स्लो है। अगर आप इसको फुल पे रखोगे तो इसके अंदर जो आप डाल रहे हो ये पूरा जल जाएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लौंग, जिसका मैंने एक लौंग गिर गई मेथी के साथ में। ठीक है, जो इसका ये होता है वाइट गोल गोल, इसको आप हटा दो, नहीं तो ये लौंग बहुत गर्म करती है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 6-7 लौंग और 6-7 काली मिर्च। ठीक है, मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, गैस बंद है, जो मैंने इसके अंदर डाले थे वो सारे मसाले भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सूखा हुआ धनिया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद मिक्सर में इसको पीसूंगी, फिर मैं उसको ठंडा करूंगी, फिर उसके अंदर मैं ऐड करूंगी जितना आपने जीरा लिया था उतना वाइट नमक, ब्लैक नमक, नमक और सिंधा नमक। ठंडा होने के डालने से आपका नमक एकदम अच्छा बनेगा। अगर आप जल्दी के चक्कर में इसको गर्म पीसोगे तो आपका मिक्सर खराब हो सकता है। प्लस आप इसको गर्म में नमक डालोगे तो वो नमक थोड़ा गिल्ला हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इसको आप ठंडा होने के बाद ही पीसे और ठंडा होने के बाद ही नमक ऐड करें। देखिए मैंने ये नमक पीस लिया है, ये मैंने बारीक पीसा है। आप इसको कोई भी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हो। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये एक बार नमक बनाइए, फिर आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये नमक आपको कैसा लगा। थैंक यू जी।